अभी अभी संजीव चोपड़ा ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करी है, जो कि फूड सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने कहा है कि ट्रेड पॉलिसीज, ओपन मार्केट सेल्स, ड्यूटीज और सरकार के वेरियस मेजर्स की वजह से यहाँ पर अब एग्री कमोडिटीज, फूड कमोडिटीज जो हैं उनके भाव सही हैं और भाव यहाँ पर बेहतर रहने की उम्मीद है आगे जाकर फेस्टिवल सीजन में भी, यानी कि स्टेबल यहाँ पर भाव रहेंगे। चीनी के बारे में उन्होंने कहा कि आगे क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा और एज ऑफ नाउ जो 57 लाख टन 1 अक्टूबर को ओपनिंग स्टॉक है वो 2.5 महीने के लिए पर्याप्त है। चावल के बारे में उन्होंने कहा कि जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है जो बासमती का है उसके ऊपर एक एक्टिव कंसिडरेशन हो रही है और शायद उन भावों को कम लेकर आया जाए, लेकिन वो नोटिफिकेशन, वो चर्चा अभी यहाँ पर जारी है। आइए सुनते हैं संजीव चोपड़ा को, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। हमारे पास 1 अक्टूबर 2023 में स्टॉक अवेलेबिलिटी है करीबन 57 लाख टन और ये हमारे 2.5 महीने का जो खपत है हमारे देश में उसके लिए पर्याप्त है। तो आप जानते हैं कि शुगर क्रशिंग, शुगर केन क्रशिंग भी अभी शुरू हो गई है कई भागों में देश के और आने वाले 2-4 हफ्तों में हमारा नई शुगर आनी शुरू हो जाएगी क्रशिंग के बाद। तो अवेलेबिलिटी अभी 2.5 महीने की है, शुगर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी आने वाले 2-4 हफ्तों में। तो शुगर के दृष्टि से कोई ऐसी हमको संभावना नहीं लगती कि हमें कोई शॉर्टेज होगी या दामों में कोई वृद्धि होगी, तो ये हमारी पोजीशन है शुगर के बारे में। ऑलराइट, तो चीनी के बारे में विस्तृत ब्यौरा देते हुए कि यहाँ पर चीनी में क्या एक्सपेक्टेशन है और जैसे कहा कि आगे जाकर कोई चिंता नजर नहीं आती है, त्योहारों और शादियों के समय में पर्याप्त चीनी है और भावों में भी बढ़त होने की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा ने और भी सवाल संजीव चोपड़ा जी से पूछे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, चीनी के दाम अभी हमको काबू में ही दिख रहे हैं, आगे भी काबू में रहेंगे। अभी हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, 57 लाख टन 1 अक्टूबर को स्टॉक था हमारे पास, जो कि करीबन 2.5 महीने की खपत के लिए पर्याप्त है। तो उसके अलावा अभी क्रशिंग भी शुरू हो गई है कई भागों में हमारे देश के शुगर मिल्स में और नई चीनी भी आनी शुरू हो जाएगी अगले 3-4 हफ्तों में। तो शुगर चीनी के दृष्टिकोण से हमारा कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है, उसका अवेलेबिलिटी हो या उसके दाम हो। सर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में थोड़ी सी कम बारिश इस बार अगस्त में देखने को मिली, उसका असर कुछ शुगर के प्रोडक्शन पे या शुगर पे दिखेगा? तो जो हमको खबरें मिल रही हैं महाराष्ट्र से और कर्नाटक से कि अगस्त के महीने में जो बारिश बहुत कम हुई उसके चलते कुछ प्रभाव पड़ा है गन्ने की फसल पर इन दो राज्यों में, लेकिन उत्तर प्रदेश में फसल की स्थिति बहुत ही अच्छी है और हम आशा करते हैं कि जो थोड़ी बहुत शॉर्टफॉल हमारी होगी महाराष्ट्र और कर्नाटक से वो कुछ हद तक मीट हम कर पाएंगे यूपी की प्रोडक्शन से, लेकिन तब भी अभी कुछ फॉर्म कह पाना मुश्किल है। कृषि विभाग के जो आंकड़े आएंगे, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट अगले 7-10 दिन में आएंगे, उसके निकलने पर हमको पता लगेगा कितनी शुगर केन प्रोडक्शन की संभावना है देश में इस साल और उस प्रोडक्शन की आंकड़े को देखते हुए हम निर्णय लेंगे कि कितना हम चीनी बना पाएंगे और उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो चाहे डाइवर्शन हो एथेनॉल के लिए या अन्य मुद्दों पर, वो निर्णय उस समय पर लिया जाएगा। सर, गेहूं पे भी हमने सरकार की तरफ से कई कदम आखते देखे, आपने स्टॉक लिमिट लगाई, उसके बाद कम की, FCI के जरिए खुले बाजार में आप गेहूं बेच रहे हैं, दाम गेहूं के भी अब काबू में रहेंगे आपको लगता है? गेहूं के दाम काबू में रहेंगे, आपने देखा कि करीबन 3.5% की हमारी बढ़ोतरी हुई है एक साल में गेहूं के दामों में, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और गेहूं हम स्टॉक लिमिट तो जैसे बताया आपने हमने लगाई हुई है, उसको हमने अभी कम भी किया है, 2000 टन हमने रखी है स्टॉक लिमिट फॉर प्रोसेसर्स एंड होलसेलर्स एंड ट्रेडर्स। और उसके अलावा FCA के माध्यम से हम ओपन मार्केट में भी इसकी बिक्री कर रहे हैं, 2 लाख टन हम हर हफ्ते बिक्री कर रहे हैं, उस बिक्री के चलते हमने देखा है कि दामों में नियंत्रण रहा है और आने वाले दिनों में भी हम इस पर नज़र बनाए रखे हैं, अगर बनाए हुए हैं और अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो जो 2 लाख टन हम भी अभी दे रहे हैं ओपन मार्केट सेल में तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने पर कोई विचार? अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमारे पास पर्याप्त गेहूं है देश में जिसके चलते नियंत्रण में है दाम, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार सभी ऑप्शन पर निर्णय ले सकती है। आखिर सवाल चावल को लेकर के अब क्या स्थिति है, दाम मेरे को लग रहा है पहले के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं, आगे भी ऐसे रहेगा?
चावल के दाम बढ़े हैं एक साल में कुछ 10-11%, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हार्वेस्ट शुरू हो गया है, कटाई शुरू हो गई है और उसके चलते फसल मंडियों में आनी शुरू हो गई है, मिलिंग भी बहुत शीघ्र शुरू हो जाएगी, तो जब फ्रेश हार्वेस्ट आएगी तो मुझे आशा है कि अगले एक महीने के अंदर दामों में और कमी आएगी। ऑलराइट, तो वो तीनों ही कमोडिटीज पर बात करते हुए संजीव चोपड़ा, चाहे वो गेहूं है, चावल है या फिर चीनी है, लेकिन चीनी पर और राय ले लेते हैं। हमारे साथ अब आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप संजीव चोपड़ा जी की स्टेटमेंट्स जहां पे कहा जा रहा है कि 57 लाख टन यहाँ पर 1 अक्टूबर को ओपनिंग स्टॉक है, 2.5 महीने के लिए पर्याप्त है और आगे जाकर यहाँ पर जिस तरह की क्रशिंग की एक्सपेक्टेशन है जो अगर महाराष्ट्र नहीं तो बाकी स्टेट्स पूरी करती हुई नजर आएंगी, तो अवेलेबिलिटी है, एक बार फेस्टिवल खत्म हो जाए उसके बाद नया कोई यहां पर स्टेप या डिसीजन लिया जाएगा। बहुत खुशी की बात हुई आज कि 1 अक्टूबर 2023 को ये 57 लाख टन ओपनिंग स्टॉक पाया गया है। ये हमारे चीफ डायरेक्टर जो है सुगर के संगीत जी, उनका डिजिटलाइजेशन का रिजल्ट है कि आज हमको 19 अक्टूबर को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी चीनी 1 अक्टूबर को थी। ये काफी अच्छा पॉजिटिव थिंग है क्योंकि इससे मुझे एक दिख रहा है कि अभी जितनी भी चीनी 280 के ऊपर होगी उतनी हमें एक्सपोर्ट करने को मिलेगी, क्योंकि 280 लाख टन हमें कंजम्पशन के लिए लगेगी और 57 लाख टन तो इनफ है ओपनिंग स्टॉक, तो 280 के ऊपर समझो 290 हो गई, 300 हो गई, 310 हो गई, 310 हो गई तो 25 से 30 लाख टन एक्सपोर्ट के लिए भी एक जगह बन गई। तो हमें तो दशहरा दिवाली आज ही अच्छा लग रहा है, नवरात्रि बहुत अच्छी पड़ी है। और दूसरी बात ये है, मुझे मनीषा जी काफी खुशी से कहने को ये आपके साथ शेयर करने को कि ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आहिस्ता ने हमेशा कहा गया है कि शुगर का एग्जैक्ट प्रोडक्शन कितना होगा विथ लेस मार्जिन ऑफ एरर के अगर बताना है तो जनवरी महीने में बता सकते हैं, जबकि पूरे मीडिया और पूरे स्रोत बता रहे थे कि एक्सपोर्ट बैंड हो जाएगा, एक्सपोर्ट बैंड हो जाएगा। इसके बदले गवर्नमेंट ने जो है वो रिलीज यानी कोटा मैकेनिज्म जो है उसको एक्सटेंशन दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जनवरी में पाया गया तो हम जरूर से कोटा देंगे एक्सपोर्ट के लिए। तो एक एक आस्क हो गई कि चलो, सिर्फ अभी तक गारंटी इस चीज की थी कि डोमेस्टिक शुगर और इथेनॉल के लिए चीनी है, गन्ने है, पर अगर कुछ पाया गया जनवरी में तो हमारी एक नई होप जो हम बिल्कुल छोड़ चुके थे वो होप आज खड़ी हो गई है। और गवर्नमेंट भी समझ गई है कि अक्टूबर या सितंबर या नवंबर में कोई जो प्रिडिक्शंस या प्रोजेक्शंस किए जाते हैं शुगर के प्रोडक्शन के तो वो सही नहीं रहते हैं, तो उन्होंने नहीं तो वो बैंड ही कर देती थी। उन्होंने तो ये बोला कि जो कोटा मैकेनिज्म है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो काफी अच्छी चीजें हुई है और आज का दिन पॉजिटिव है हमारे लिए। अब आप भी कहेंगे कि आने वाला जो फेस्टिवल और शादियों का सीजन है जो कि काफी बड़ा इस बार माना जा रहा है, तो अगले 2-3 महीने के लिए चीनी के भाव जहां है वहां पर स्टेबल रहेंगे? स्टेबल रहेंगे, जैसे कि संजीव चोपड़ा जी ने बताया कि हमारी नई सीजन भी चालू होने जा रही है। नई सीजन चालू होने के बाद एक दूसरी बात होती है कि काफी शुगर मिल्स 600 मिल में से ऐसी कोऑपरेटिव मिल्स या ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास फाइनेंस की कैपेसिटी इतनी नहीं रहती है, तो उनकी एक्स्ट्रा चीनी बाजार में आ जाती है, तो दिसंबर का जो महीना रहता है हर साल में वो लोवेस्ट रहता है, तो दिसंबर में जितनी शादी करनी है करवा लो। आपका मैंने एक वीडियो भी देखा था कि सबसे हाईएस्ट शादी होने जा रही है नवंबर 25 से, तो आपके भी अपडेट्स काफी रहती है, तो हमें ये भी मिला कि चलो दिसंबर में भी कंजप्शन ज्यादा होगा तो चिंता नहीं है, बिजनेस तो चलेगा अपना। ठीक है, तो अच्छी खबर यहाँ पर आती हुई इंडस्ट्री के लिहाज से भी, कंज्यूमर्स के लिहाज से भी, तो फाइनली सरकार एक यहाँ पर फाइन बैलेंस बनाती हुई नजर आई है जहां तक चीनी एज अ सेक्टर का यहाँ पर सवाल है, लेकिन चावल में अभी भी यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं और हमारे साथ विजय सेतिया जी हैं। विजय जी नमस्कार, पॉजिटिव ये है कि सरकार ने कहा है कि फसल बेहतरीन है, बाजार में आनी भी शुरू हो गई है, प्रोक्योर भी हो रही है, लेकिन जहां तक बासमती की बात है संजीव जी ने ये जरूर कहा कि एक्टिव कंसिडरेशन जारी है, रोजाना मीटिंग्स यहां पर हो रही हैं और बहुत जल्दी जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो $1200 से घटा दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं उस स्टेटमेंट को?
देखिए गवर्नमेंट का पॉजिटिव व्यू है, वो फार्मर का इंटरेस्ट भी देख रही है और एक्सपोर्ट भी चाहती है. और जो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था जब उन्होंने बोला कि चावल के दाम कुछ बड़े हैं, तो उसमें एक चीज है कि गवर्नमेंट हर साल फार्मर के लिए 10% के करीब 8% के करीब उनके रॉ मटेरियल मींस पैडी की सपोर्ट प्राइस MSP बढ़ाती है. तो उसका प्रोपोर्शनेट अगर आप देखोगे प्रोसेस में कि पैडी में से 65% राइस निकलेगा, उसकी कॉस्ट जो है उतनी मार्केट में बढ़ जाती है. बिजनेसमैन ने उसके हिसाब से काम करना है. ये तो बात है नॉन बासमती की. बासमती के लिए जो उनका कहना है कि भाई हम एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं इसको कम करने के लिए, तो अब क्योंकि सीजन के बीच में जब किसान पैडी लेके मंडियों में बैठा है पंजाब हरियाणा और यूपी में, तो अगर एक्टिवली परचेज नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कोई MSP नहीं है, ओपन मार्केट सेल परचेज है, जितना बायर मार्केट में आएगा जितना कंपटीशन मार्केट में आएगा फार्मर को उसी का फायदा मिलता है. और वही कंपटीशन इस समय खत्म होने से मार्केट में इक्का दुक्का वही लोग हैं कि जिनके मतलब आप कह सकते हो कि जिनकी हिस्ट्री हेरा फेरी चोरी और ऐसे कामों में रही है, और वही लोग कुछ ऐसे हैं जो मंडियों में किसान को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज को देखते हुए कि किसान का नुकसान ना हो और जो लोग सरकार का सहयोग भी नहीं करते एक्सप्लॉइट करके गवर्नमेंट की बदनामी करने का काम कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट को तुरंत फैसला लेना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 50 दिन में जो पाकिस्तान को एक फ्री हैंड मिल गया कि वो उन्होंने ऐसी कोई MSP नहीं बनाई हुई कि भी आपने $1200 के ऊपर बेचना है. जो चावल 1509 इंडिया में 850 बिकता है उनका भी 850 ही बिक रहा था, 900-850 की इस रेंज में. जैसे ही उनको मिला कि इंडिया ने अपनी जो पाबंदी लगाई, उन्होंने $1000 के आसपास में अपने अच्छे ऑर्डर बुक किए और हम इंडिया वाले देखते रह गए कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे क्योंकि हम अभी बंधे हुए हैं. तो अगर आज सरकार हमें छूट देती है जैसा कि संजीव जी बोल के गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सारे एक्सपोर्टर सरकार का पूरा सहयोग करेंगे और फार्मर्स को अच्छा दाम देंगे. और फॉरेन एक्सचेंज पिछले 3 सालों का हमारा रिकॉर्ड है कि पिछले साल 48,000 करोड़ रुपीज का फॉरेन एक्सचेंज बासमती से आया जो ऑल टाइम हाई है, और इस साल ये और बढ़ेगा इसमें कोई शक नहीं है. तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से डील है, हम तो काम करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं. और बासमती कॉमन मैन की कंजम्पशन की चीज नहीं है. जो चावल आपको PDS के लिए चाहिए उसके लिए आपकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है, आपके पास बफर भी पड़ा हुआ है. सरकार ने पिछले कोविड पीरियड में इतनी सेवा की, देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री चावल बांटा. ये तो दुनिया में एक एग्जांपल है, सारी दुनिया को मालूम है कि इस सरकार ने ये काम किया जो कहीं भी नहीं हुआ. तो जो सरकार के पास बफर है और बासमती आपने लेनी नहीं, उसका आपको कोई जरूरत नहीं है. बासमती पूरी तरह कॉमन राइस से अलग चीज है. एब्सोल्युटली. और जैसे जैसे संजीव जी बोल के भी गए हैं कि जो रिकमेंडेशंस आई हैं फिलहाल वो चावल के एक्सपोर्टर्स से आई हैं. पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के सामने यहाँ पर रिकमेंडेशंस रखी हैं और गवर्नमेंट से कहा है कि MEP को यहाँ पर नीचे लेके आया जाए ताकि कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़े. तो जैसे वो भी कह के गए हैं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर काम हो सकता है. जो उनकी एग्जैक्ट लाइन है वो ये है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है ये प्रपोजल जो एक्सपोर्टर्स ने बनाया है और एक्टिव कंसिडरेशन यहाँ पर फिलहाल बन रही है कि 1200 से नीचे बासमती के राइस एक्सपोर्ट प्राइस को लेकर आया जाए. तो क्लियरली जिस भी सेक्टर में फिलहाल हम यहाँ पर देखें काफी पॉजिटिव न्यूज आती हुई, चाहे वो चीनी है चाहे वो चावल है, और हमारे दोनों ही सेक्टर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि आज का दिन बेहतर है और जिस तरह संजीव चोपड़ा जी बोल के गए हैं इंडस्ट्री के लिए काफी सपोर्टिव भी है. बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का प्रफुल्ल जी आपका और विजय जी आपका भी. एक ब्रेक ले रुकेंगे, जो लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. साथ अब जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और GCL के अमित खरे. आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है. नवनीत, अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है. इससे पहले कि आगे डिस्कशन करें आपके टॉपिक्स जानना चाहेंगे. मनीषा जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा कंसिस्टेंट बेसिस पे करीब करीब $150 के आसपास की रैली गोल्ड प्राइस में हमने देखी है. लार्जली जियोपॉलिटिक्स इसका रीजन है.
मुझे लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट के वहां जाने से थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन में कूल ऑफ होगा, जिसका इंपैक्ट गोल्ड प्राइसेस में भी देखने मिलना चाहिए। 60,000 के रेंज में मिले तो सेल किया जा सकता है, 60,300 का आप स्टॉप लगाइए एंड 59,500 59,600 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस में, जो कि सिमिलर थॉट प्रोसेस है कि जहां पे अच्छा खासा इंक्रीमेंटल गेन हम देख चुके हैं, करीब करीब 10% का रैली ऑलमोस्ट क्रूड में भी आ चुका है। यहाँ पे 7,300 के रेंज में सेल किया जा सकता है, 7,380 का आप स्टॉप लगाइए एंड 7,180-7,150 तक के टारगेट देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो वो क्रूड में एज ऑफ नाउ राय है, बिकवाली की एक्सपेक्टेशन है, मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही अमित, आपकी टॉप पे क्या रहेगी आज एग्री कमोडिटीज में? नमस्कार, मेरा जो फर्स्ट ट्रेड रहेगा वो जीरे के ऊपर रहेगा। जीरे में हम देख रहे हैं कि काफी बिकवाली का प्रेशर जो है इस समय अभी बना हुआ है। 53,000 का लो अभी जो है इसने अभी रिसेंट में आज बनाया है, लास्ट का जो लो था 53,200 का वो ब्रिज किया है। कल के लिए 53,000 के नीचे अगर जीरा जाता है तो इसमें एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 55,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें नीचे में 53,000 से लेके 47,000 तक के टारगेट में दिखाई देते हैं, तो ओवरऑल जीरे में अभी सेलिंग का ट्रेड रहेगा। दूसरा ग्वारशीड ग्वारगम के ऊपर है। ग्वारशीड ग्वारगम में हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से एक अच्छी रिकवरी अभी 10 से 15 दिनों में देखने को मिली है। प्राइजेस 5,300 के आसपास थे, अभी लगभग 5,900 क्रॉस करते हुए दिखाई दिए, तो 5,970 के आसपास एक बार ग्वारशीड में मुनाफा बुक करके वापस फिर से गिरावट पे खरीदारी ट्रेडर कर सकते हैं। खरीदारी का जो पॉइंट है वो 5,720 रुपए का है, 5,720 के आसपास प्राइजेस मिलते हैं तो ट्रेडर्स इसमें वापस फिर से खरीदारी कर सकते हैं। 6,000 के टारगेट के लिए वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 5,550 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे थर्ड ट्रेड है ग्वारगम का रहेगा। ग्वारगम 11,750 के आसपास अगर मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 12,200 का इसका टारगेट रहेगा। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 11,500 रुपए का ग्वारगम का स्टॉप लॉस है। ग्वारसीड और ग्वारगम में अच्छी खासी तेजी की उम्मीद, लेकिन जीरा में जो मुनाफा वसूली जारी होती हुई नजर आई है वो आगे बरकरार रह सकती है, तो बिकवाली की राय वहां पर आती हुई। लेकिन अवनीत, आपके पास आना चाहेंगे और सोने चांदी पर एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, लोग खरीदना भी चाहते हैं, जो खरीदेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ट्रेडिंग भी अच्छी खासी है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, ईटीएफ में खरीदारी फिर से लौटी है, इन स्तरों पर अब क्या करना चाहिए? काफी टाइम से मैं थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ चल रहा हूँ गोल्ड के प्राइसेस में, और लास्ट कुछ दिनों में हमने जो गेन देखी है लार्जली जियोपॉलिटिक्स के चलते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, और इस स्तर पे मुझे लगता है कि यहाँ पे 1950-1980 डॉलर के ऊपर का स्तर देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर वॉर यहाँ से एस्केलेट हो जाता है और कोई और प्लेयर ज्वाइन हो जाता है वॉर को तो बात अलग होगी, तब तो फिर एक नई दिशा पकड़ लेगा गोल्ड प्राइसेस में। बट अदरवाइज आई थिंक वी ओवरप्लेड द मूव और थोड़ा यहाँ से करेक्शन आना चाहिए, तो फिलहाल बाइंग के लिए आप वेट कर सकते हैं। मे बी एज वी अप्रोच दिवाली आपसे आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट नीचे मिल सकता है गोल्ड, वो एक बेटर विकल्प रहेगा। फिलहाल चांदी की बात करें तो चांदी में एक निचले लेवल पे हमने टाइम एंड अगेन बहुत शार्प बाइंग आते हुए देखी है। 67,000-65,000 के स्तर से बार बार 72,000-75,000 के रेंज में बाउंस करते हुए देखा चांदी को। यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, एंड क्लियर इंडिकेशन है कि दोनों ही कमोडिटीज के बीच में चांदी बाय ऑन डिप्स का चाल चल रहा है और गोल्ड जो है वो सेल ऑन रैली का पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो आई वुड प्रेफर बाइंग सिल्वर विस गोल्ड। ऑल राइट, तो वो पॉइंट आई होप कि हम सब ने नोट कर लिया है। एक और कमोडिटी जहां पर तेजी देखने को मिली थी वो थी कॉटन सीड ऑयल केक। अमित जी, यहां पर क्या राय है? कुकुट में हमने देखा प्राइसेस जो है 2,850-2,870 के आसपास जो है टेस्ट हुए थे, वहां से एक मुनाफा वसूली प्राइसेस में देखने को मिली। ओवरऑल मेरे को लगता है थोड़ा सा अभी डाउन साइड का मूवमेंट इसमें अभी बाकी है, तो 2,750 के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। दिसंबर वायदा कुकुट में 2,800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मेरे को लगता है प्राइजेस 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 2,670 रुपए तक टेस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी है, बिकवाली की राय यहाँ पर आती हुई। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।